Sangere oggi devi un saggino. Saggingine bo già da bol di a mere pare me. Uske liye main kshama chahta hu. Dhanyavad dena chahta hu Sanjay ji aapko ki aaj aapne mujhe yahan aamantrit kiya aur ye mere liye bade saubhagya ki baat hai. Bala sahab ke sath mera bahut hi ek निजी पारिवारिक संबंध रहा और कोई भी कार्यक्रम जब भी उनका होता है कोई स्थापना हो कोई कार्यक्रम हो और जब भी वो मुझे बुलाते थे तो मैं जाता था. आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. क्योंकि ये कार्यक्रम बाला साहब से संबंधित है इसलिए तो मैं यहाँ मुझे आना ही था. लेकिन सच्चाई थोड़ी सी ये है संजय जी की आपकी जो कलम है वो कलम नहीं तलवार की तरह कभी कभी लगती है उसके डर के मारे में यहाँ आ गया. बाला साहब के बारे में ये फिल्म बनेगी और उनके चरित्र उनके व्यक्तित्व उनके जीवन के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो आप फिल्म में देखेंगे. एक मेरा अनुरोध था आपसे संजय जी की इस फिल्म को केवल 3 घंटे के मत रखिएगा. बाला साहब का जो व्यक्तित्व है वो 3 घंटे के अंदर सीमित नहीं किया जा सकता. और मैं चाहूँगा कि जी बिल्कुल और मैं चाहूँगा कि इसके कई सारी सीरीज़ बने 10-12 सीरीज़ बने 3-3, 4-4 घंटे की सीरीज़. आजकल तो वेब सीरीज़ पे सब देखते हैं इसे. उनका पूरा जो व्यक्तित्व है उसे सही तरह से व्यक्त करने के लिए इसे आपको बहुत समय चाहिए होगा. तो ये आपसे प्रार्थना है कि केवल इसे 3 घंटे के लिए सीमित न रखें. बाला साहब के साथ मेरा हमेशा मैंने माना कि एक पारिवारिक संबंध रहा है और पारिवारिक इसलिए रहा है क्योंकि जिस दिन से मैं उनसे मिला न जाने क्यों उनको लगा कि मैं उनके परिवार का एक सदस्य हूँ. ये उनकी उदारता थी ये उनका बड़प्पन था. और मुझे इस बात का उदाहरण तब मिला जब तकरीबन 40 साल पहले जब उनसे मिलने का मुझे अवसर मिला तो मेरा विवाह अभी उन्हीं दिनों हुआ था. तो उन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारा विवाह हो गया है मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूँ तुम घर आओ. तो मैं मातुश्री गया जया को लेकर और आई ने जिस तरह से जया का वहाँ पर स्वागत किया अपने घर में वो ऐसा स्वागत था जैसे आई अपनी स्वयं बहू का स्वागत कर रही हूँ अपने घर में. उस दिन से मैंने मान लिया कि बाला साहब जो हैं वो मेरे पिता समान हैं बुज़ुर्ग हैं और मेरा संबंध इनके साथ हमेशा पारिवारिक ही रहेगा.